अल्लाह के हजूर पेश हुई हैं, ठीक हाँ। है, और वो शहबाज शरीफ साहब से मिले भी हैं। अच्छा। और बड़े खुशगवार मूड के अंदर मुलाकात हुई है। बड़ी स्वागत की बात है, अंदर का मंजर होता है जब वो दरवाजा खुलता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहसिन और मेरे साथ है अली जान और आप देख रहे हैं हमसे जानो। हम तो जानो में आज हम बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा की, और हमारे सीएम जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो गए हुए हैं उमरे के ऊपर और रो पिट के दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ें ले आए वहाँ से, और खुशखबरियाँ तो लेके आई हैं। और साथ में जो नवाज शरीफ हैं उनको जाने नहीं दिया, वो क्यों जाने नहीं दिया, इसी के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। क्या कहेगा अली जान? यार देखें, आप मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अल्लाह के हजूर पेश हुई हैं, ठीक हाँ। है, और चले उस दर पे वही जाता है जिसको अल्लाह बुलाता है। वहाँ से मदीने भी जाएंगी और वहाँ पे जाके पाकिस्तानी कौम के लिए और इनके हालात के लिए दुआ भी करेंगी। उम्रे का फर्ज भी साथ साथ अंजाम हो जाएगा, सरकारी सतह के ऊपर भी तकरीबन दो रही है हाँ। वहाँ जब गए हैं वो लोग वहाँ पे तो वहाँ से कोई ना कोई अनाउंसमेंट भी ले आएंगे, पैसे वैसे भी हाँ। तो जब गए हैं तो कोई ना कोई खुशखबरी तो वहाँ से लाजमी लेके आएंगे। MBS जो है वो शहबाज शरीफ साहब से मिले भी हैं। अच्छा। और बड़े खुशगवार मूड के अंदर मुलाकात हुई है और काबे का जो है दरवाजा भी खुला उनके लिए। बड़ी सआदत की बात है कि यार अंदर जाना, जो भी जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो सारे अंदर गए हैं। ये बड़ी सआदत की बात है यार। अंदर का मंजर होता है जब वो दरवाजा खुलता है तो अल्लाह की रहमतों का नजूर होता है। तो इस प्यारे महीने के सदके में वो वहाँ गई हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनकी दुआएं और पूरी कौम की भी दुआएं हैं कि यार पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं इंशाल्लाह। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें नवाज शरीफ को, बड़ी अजीबोगरीब सी बातें पता लगने को आ रही थी कि जी उनको कि जी नहीं जाने दिया गया हाँ। या वो अपनी मर्जी से नहीं गए या उनकी कोई सेहत का कोई मसला चल रहा है। देखिए यार उनका कोई, यानी कि जब से इलेक्शंस हुए ना हाँ। तब से उनका कोई बयान ना वो कैमरे के सामने आ रहे हैं ना कुछ और, यानी कि अपने आप को उन्होंने नजर बंद कर लिया। मुझे तो एज ए मतलब दो तीन पार्टी वर्कर भी मिले PMLN के हाँ। तो वो भी बड़े परेशान थे कि यार पता नहीं क्या मियाँ साहब जिनके लिए हमने इतना सब कुछ किया है वो आजकल जो है नहीं नजर आ रहे। तो मैंने कहा भाई अल्लाह से दुआ करो कोई ना कोई मामला जो बेहतर हो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का प्लान ये था जी कि मैं उम्रे पे जाऊंगा और वहां से मैं जो फिर आगे UK निकल जाऊंगा, वहां पे जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके जो है दोबारा फिर से आगे यहां पे देख लूंगा सिस्टम हाँ। लेकिन अब वो पता नहीं किस वजहों की वजह से नहीं जा सके, ठीक है, अब तबीयत खराब है या क्या मामला था ये तो अल्लाह ही जानता है हाँ। तो ये है कि हमें अभी फिलहाल फोकस रहना चाहिए। मरियम नवाज बड़ा अच्छा काम कर रही है हाँ। तो गई है वहां पे तो एक मुल्क में भी अजीब सा ही माहौल हो गया है, क्योंकि जाहिर बात है जब चीफ खुद यहाँ पे वो होती तो वो हलचल रहती है और सारे इसको तंग कर उसको डंडा दे उसको डंडा दे कि भाई काम करो काम करो, ठीक है, तो वो जल्दी से वापस आए और आके दोबारा से जो है अहदे की संभाले और सीट संभाले और सबको जरा तगड़ा सा फिर दोबारा चौकस करें। बिल्कुल सही, चौकस तो करना पड़ेगा। हमारे जो ये छोटे मोटे जो लोग होते हैं उनके नीचे जो मिनिस्टर वगैरह काम कर रहे होते हैं वो तो ढिले हो जाते हैं जब ऊपर हाथ पे डंडा नहीं होता। तो मरियम साहिबा आए और आके अल्लाह से उम्मीद ये लगाई जाती है कि अल्लाह करे कोई अच्छे इकदाम कोई अल्लाह ताला उनके जहन में डाल दे, कोई पाकिस्तानी अवाम के लिए सोचे, जो बिजली यूटिलिटीज और जो इतनी महंगी हुई पड़ी है उनके ऊपर आके कोई नजरसानी करे, क्योंकि जो आम इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर पिस रहा है कि यूटिलिटीज बिल्स जो है वो नहीं पे किए जा सकते। आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।